वेलकम बैक। कैसे हो? सर्वनाश की इस नगरी में तुम्हारा योगदान देने का शुक्रिया। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उन लड़कियों से कह रहा हूँ जो धका पेल गर्मी बढ़ा रही हैं। दो हजार सोलह से पहले जब इंटरनेट नहीं था तो चूतड़ का प्रयोग 90% केवल हगने के लिए किया जाता था। लेकिन आज ये इंस्टाग्राम की आइडेंटिटी है, चेहरा पीछे है, चूतड़ आगे आगे भाग रहा है, हम फर्स्ट हम फर्स्ट। पता नहीं इनके आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट पे चेहरा ही लगा है या वहां पे भी चूतड़ को ही आगे कर रखा है। सस्ती हॉटनेस इंस्टाग्राम पे हर चौथी रील पे है। बालों में हाथ घुसाओ और कुछ हिला दो शॉर्ट्स पहन के। घर चलाने के लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अब समय आ रहा है जब मर्द घर पे बैठ के आराम कर सकता है, ये सब कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे हर बकचोदी के लिए छोटे छोटे कमरे बने हैं। आपकी गांड में जितनी भी चूल है आप यहाँ के मिटा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बर्तन धोना सिखा रही हैं। खाली हम ही थोड़ी हैं जिसे देश की परवाह है, ये भी अपना योगदान दे रही हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम को इन लड़कियों ने कोठा बना दिया है। अब ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक धंधा नगरी है। अच्छा, पहले के बच्चे एक आध घंटा किताब वगैरह पढ़ लेते थे, लेकिन इन लड़कियों ने आजकल वो भी छीन लिया। इन्हें देखो, हिलाओ और सो जाओ। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। मोहतरमा एक बात बताओ, क्या गांड हिलाने के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करी थी या नहीं करी थी इसीलिए हिलानी पड़ रही है? पहले के जमाने में सही था, हमारे पापा लोग के टाइम पर, जिनमें चुल्ल हुड़क और हवस है, इन लड़कियों के प्रोग्राम बस एक कोने में चलते थे, जाओ मिटा आओ। बात तो सही है। लेकिन अब इनका एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनवाया गया है इंस्टाग्राम नाम का, नाचो बहनचोद। बहुत बढ़िया हिलाती हैं आप, चलिए अब साइड हो जाइए। मुझे बस उस भोसड़ी वाले शख्स से मिलना है जिसने इस अधरंगे नाच को टैलेंट घोषित किया है। वो नहीं हो पाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, ये इंस्टाग्राम नाम का बवासीर सीधा बैन होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, वरना यह अधरंगी नचनिया देश ले डूबेंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेटी लाइट बंद कर और सो जा, 12 बज चुके हैं, पीछे से पापा आ गए तो गांड तोड़ देंगे। और अपनी सस्ती हॉटनेस अपने बॉयफ्रेंड को दिखाओ अकेले में। साला फेम क्या हो गया, ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन है, सबको चाहिए, बाकी टैलेंट जाए माँ चुदाने, हो या ना हो फेम, लेकिन सबको चाहिए। मान लो दिल्ली में 2 करोड़ खूबसूरत लड़कियां हैं, सबके 1-1 मिलियन, क्या करोगी? अरे खाओगी तो रोटी ही। सही बात है। या उन 1 मिलियन में से डेली ऐसे 1-1 निकाल के खाओगी? वो समय दूर नहीं है जब बिजनेस कम होंगे और ये 2 करोड़ के एडवर्टाइजर ज्यादा, चिल्लरों से ज्यादा औकात नहीं है इनकी, 200-200 रुपए में 1 घंटों की प्रमोशन करेंगे। हाँ, आधे दिखा के आधे छुपा के पूरे हिला दो। ये भोसड़ी का क्या समय चल रहा है, इनके 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, देश ठरकियों से भर चुका है। देश संकट में है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। और तू और लड़कियों की तरह मेकअप क्यों नहीं करती है? अरे पागल, मेरी सिर्फ स्माइल काफी है। कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, घर बढ़ाओ तो शेर पाल ले, मगर गलत फहमी मत पाल। अगर माजरा स्माइल का होता ना तो नीचे वाले कबूतरों पे चुन्नी पड़ी होती। कैसे लोग हैं ये? हरकतें इनकी मियां वाली हैं और इज्जत इन्हें मधुबाला वाली चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? इन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र, इनके आगे इनका पूरा भविष्य पड़ा है। मगर नहीं, दीदी भी तो यही करती हैं। दीदी 4 मिलियन है, हम भी करेंगे, डेमोक्रेसी कंट्री है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। बस अब मेरे माथे की नस फटने के कगार पे है, अगर 1 रील और चला दी तो मुझे आने वाली वीडियोस में देख नहीं पाओगे और नहीं झेल पाएगी मेरी बॉडी ने। इनका केस यहीं क्लोज करते हैं। और हाँ, 600 लाइक चाहिए वीडियो पे, कर देना।
ऐसी सस्ती हॉटनेस की लिस्ट बना रखी है, लाइन से पेलेंगे पार्ट टू पार्ट थ्री, बट हाँ स्पेम कंप्लीट चाहिए। okay. और नए आए हो तो लाल बटन, कहीं वो आपको बेवफा ना कह दे क्योंकि इंतजार कर रहा है ना वो आपका, बाय। और 600 लाइक होते ही पार्ट टू पेल देंगे, बाय। और सब्सक्राइब कर ही लेना यार, बाय।